वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है और हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के सारे कप्तान राशिद लतीफ ने। पहुंच गए हैं जी, ठीक ठाक हैं आप, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं आप? खैरियत से? सुना आपके साथ वही हुआ है जो स्कूल में लेट होते हैं अक्सर, तो गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है? यार पहली दफा हुआ इस्लामाबाद में। देखिए हो जाता हुआ भी राइट वाला पीछे वाला, वो नागुजीर हालात तो हो ही जाते हैं। लेकिन आपको गलत साबित कर दिया आईसीसी ने, इससे ज्यादा कंपेटिटिव क्वालिफाइंग राउंड क्या हो सकता था? नहीं, जिस तरह बॉलिंग कर दी, ठीक है आउट हो गए, लेकिन एक शुक्र है कि खत्म हो गया है क्वालिफाइंग राउंड ना। अच्छा, या कल भी है कोई है? नहीं नहीं खत्म हो गया। बस बस ठीक है, नहीं क्यों आईना नहीं करेंगे ये लोग यार, इतनी हाई क्लास। आज देखें बात सुने, नामीबिया गोल्डन मोमेंट हैव क्वालिफाइड फॉर द सुपर 12। कल हमने बात की थी कि आते जाते आउट हो रहे थे किसी एक टीम के, पीएनजी के आउट हो रहे थे। आज तो मैच ही खत्म हो गया सर, 7.1 ओवर नहीं 10 ओवर, 10 ओवर में टीम आउट हो गई टी20 में। अल्फाज नहीं है सर, कुछ निकल जाएगा, निकाल ही लें आज सर ऐसी मजाक में। लेकिन यार कॉम्पिटिटिव क्रिकेट तो है ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन ये अच्छा है कि कल से मैच शुरू होने जा रहा है, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का मैच है और वेस्ट इंडीज इंग्लैंड का मैच है, यार शुरू हो रही है कॉम्पिटिटिव क्रिकेट जो आप चाहते हैं, बाकी हमारे चैनल वाले चाहते हैं। मुझे एक चीज बताइए जी, कि ये जो श्रीलंका है ये रूथलेस था या ये श्रीलंका ने सिर्फ एक्सपोज किया है कि एसोसिएट मेंबर्स और फुल मेंबर्स में कितना फर्क है, या वाकई श्रीलंका बहुत तबाहकुन तरीके से आया और बहुत ही आला कॉम्बिनेशन के साथ आया? नहीं नहीं, दूसरे प्लेयर खेले होंगे आज तो, दो तीन तो दिनेश चंदीमल नहीं खेला होगा आज, देखें जरा कौन, दिनेश चंदीमल। चंदीमल खेल कब रहा है? लास्ट मैच खेला है? अच्छा, अभी नहीं खेला आज, आज रेस्ट कराया उन्होंने सर। अच्छा, रेस्ट कराया कुछ प्लेयर, नेहरू कुमारा भी खेला है, ये रेस्ट कराया या ड्रॉप किया बॉस? इनके पास ना काफी प्लेयर चेंज हुए, 7-8 प्लेयर इन्होंने चेंज किए, तो चंदीमल तो खेलेगा मुझे जो लगता है। ये उस टीम का कैप्टन था जो चैंपियन हुए थे आखिर में, लसित मलिंगा ट्रॉफी उठा के ले चला, ट्रॉफी इन्होंने उठाई थी, लसित लेके मलिंगा ने उठाया था। मतलब जिताया अदर कुछ कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये नीदरलैंड इतनी बुरी टीम नहीं थी, मतलब हम जो बात कर रहे थे कल पीएनजी, नीदरलैंड की अगर आप टीम देखें ना तो इसमें काफी सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने काफी सारी क्रिकेट खेली अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, इनसे इंटरनेशनल। और इस टीम ने इंग्लैंड को, आपको याद होगा 2009 में इंग्लैंड को टी20 में हराया हुआ है, तो मतलब इनके पास जो आप इसको देखें लड़के जो हैं काफी सारे इनके पास है, ब्रायन टंडर्स का अथर, वो पूरी आईपीएल वगैरह खेलाया, वो रिटायर हो गया, चला गया शायद वो, आज मेरा ख्याल है मतलब हाँ, वो नीचे खेल रहा था पिछले मैच में भी, हमने पहले वाले मैच में देखा उसको 9वें नंबर पे, अभी वो काउंटी क्रिकेट खेल रहा था यार, उनका कप्तान है एसिक्स का कप्तान है और उसकी अच्छी खासी परफॉर्मेंस थी। कुछ इशू हुआ है इनकी टीम में, इनकी टीम उस तरह नहीं हुई। वेंडा मरवा जो है साउथ अफ्रीका से इंटरनेशनल प्लेयर है, ठीक है, ब्रेंट ग्लोवर जो है अभी 100 में मेरे साथ, ठीक है, वो आईपीएल भी खेले हैं अभी, तो टीम तो उनकी अगर ऑन पेपर अगर आप देखें तो उनकी टीम अच्छी थी, लेकिन उसमें कोई मसला है। और जो मैंने पहले बात की थी, आई थिंक होना नहीं चाहिए था अजर, क्योंकि मोहम्मद वसीम तो पाकिस्तान आ गए हैं नीदरलैंड से तो चले आगे, लेकिन ये क्योंकि जो उनकी बॉलिंग लाइनअप ने जो बॉलिंग की है ना, आई थिंक उन्होंने आउट प्ले किया उनको। लहरू कुमारा वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉस, या इस पे दोनों फास्ट बॉलर से बात करेंगे जी। उमर गोल लहरू कुमारा के बारे में, स्पेस है उसकी मारता लाके, जो हैवी बॉलिंग की बात कर रहे हैं तो आप सवाल भूल जाते हैं जो मुझे याद था, ठीक है ना भाई, आप मौका देंगे तो मैं पूछूंगा हैवी बॉल, वो दोनों फास्ट बॉलर ने बताएंगे किस तरह की बॉल। यार जरा एक्सप्लेन कर दें, बड़ी टर्म यूज होती है हैवी बॉल, फ्रेडी फ्लिंटॉफ के साथ एसोसिएट होती थी कि हैवी बॉल कर दा मुंडा, तो ये जो लहरू कुमारा का कह रहे हैं सो जरा एक्सप्लेन कर दें लोगों के लिए, नाजरीन के लिए कि ये हैवी बॉल क्या होता है। आई थिंक वो रेड बॉल और वाइट बॉल दोनों में डिफरेंट बॉल कर रहा है, वो जो जो रिक्वायरमेंट है रेड बॉल की वो उसी हिसाब से वो रेड बॉल में बॉल कर रहा है। और इसी लहरू कुमारा की बात कर रहे हैं जी 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 जी, जो पैसर है उनका जी उसी की बात कर रहा हूँ। और जिस तरह एक टी20 में फ्रॉम द फ्रंट आपका स्ट्राइक बॉलर जिस तरह को बॉल करने चाहिए वो उसी टाइप के बॉलिंग कर रहा है, बाउंसर भी कर रहा है, तगड़े बाउंसर भी कर रहा है, यॉर्कर अच्छे तगड़े कर रहा है, तो आई थिंक एक अच्छा वो पैकेज उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त उसको तैयार किया, रेड बॉल से लेके आए फिर स्लोली वाइट बॉल में, और अब उनका फ्रंट बॉलर या फ्रंट लाइन जी सर। हैवी बॉल सर, हैवी बॉल का बेसिकली ये है कि हिट द लेंथ हार्ड पे, जब आप बॉल करते हो ना तो कुछ बॉलर ऐसे होते हैं वो बॉल करते हैं और उसके बाद जो उनका बाउंसर होता है वो एक्स्ट्रा क्विक होता है, उसको हम बोलते हैं हैवी बॉल। हैवी लेंथ जो है ना वो हार्ड लेंथ पे हिट करते हैं। अगर आप कुमारा को देखें तो कुमारा का रनअप बड़ा खूबसूरत है, ठीक है, ही इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, उसको देखें रनअप बड़ा खूबसूरत है, क्रीज पे जो है ना उसका बैलेंस बहुत अच्छा है, और उसके साथ जब वो बॉल रिलीज करता है उसकी रिलीज पोजीशन आप देखें तो बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से उसका बॉल निप होता है दोनों तरफ,
आउट स्विंग भी होता है, अंदर भी आता है। देखें जब आप नेचुरल वेरिएशन भी वहाँ आती है, जब आपका सीम अच्छा लगता है ना, तो सीम की अगर राइट साइड ज़्यादा लगेगी तो बॉल अंदर की तरफ कटेगा, अगर लेफ्ट साइड ज़्यादा लगेगी तो बाहर की तरफ कटेगा। तो सीम पे बॉल जिस बॉलरों का गिरता है उनका बड़ा अच्छा होता है। अगर आप चुमारा को देखें जिनका बॉल अंदर आता है, उनका ये है कि अगर आप देखें तो सीम पे नहीं गिरता, वॉबली सीम होती है, लेकिन वो सीम हिट करता है, जैसे इस तरफ हिट करता है तो इधर चला जाता है। लेकिन उन दोनों की क्वालिटी ये है कि उनकी लाइन बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल। वैसे इसमें एक जो देखा इसको कुमारा को जो देखा है उसकी डिले रिलीज मुझे लगी, ठीक है ना, क्योंकि वो हाथ नीचे से लेके आ रहा पूरा, इसको लोडिंग जो है आप कह सकते हो डिले, जिसकी वजह से पेस को जनरेट करता है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए वो आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें मुझे ना थोड़ा सा वकार भाई का लगता है। Yes. वकार भाई उसका रनअप देखें, वकार भाई का जिस वक्त जब आप भागते थे ना, वो साइड ऑन थे, अगर आप उनको भागते हुए देखें, वकार भाई जिस वक्त जंप लेते थे ना, जंप में अपनी हिप को रोटेट करते थे, और जहां से वो अपनी जो है ना बॉडी उनकी आती थी, हाथ नीचे आता था और फिर वहां से वो पेस जनरेट करते हैं। अब देखें आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में ना इन चीजों को कोई बंदा रियलाइज नहीं करता। जब हम लोग अक्सर देखते हैं कि बॉलर का ये वाला हाथ बॉलिंग आर्म यहाँ पे आ जाता है तो उसका हाथ गिर जाता है, लेकिन ये इसी तरह ये है कि जैसे आप इस चीज पे हो, ये आपका हाथ ऐसे होना चाहिए, यहाँ से फिर आपका जब ये फ्रंट आर्म जो है आपकी बॉडी की तरफ आता है, और यहाँ से फिर आप अपने जो है ना शोल्डर की रोटेशन से और हिप की रोटेशन से आप जो है ना अपनी जो पेस जनरेट करते हो। ओके, और अच्छा प्लीज, बड़े मजा आ रहा है इसमें। ये वो बॉलर रिदम बॉलर हो गए, विक्की हो गया, अपना शोएब अख्तर हो गए और स्टार्क हो गया, ये इस टाइप के ब्रेटली हो गया, जो वसीम भाई का वसीम अकरम, ये शोल्डर बॉलर थे जी, बिल्कुल। उसमें क्या इस हाथ की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल है। देखें आप पेस के लिए देखें आपकी आर्म स्पीड जो है ना, वसीम भाई, मोहम्मद समी, ये ऐसे बॉलर हैं जिनको छोटा रनअप चाहिए। डेल स्टेन, ठीक है, डेल स्टेन रनअप का बॉलर था बॉस, अगर उसका रनअप छोटा कर दें वो वसीम भाई वाली कैटेगरी में मेरे नजदीक नहीं आता। ये लोग जो है ना क्विक आर्म थे, मतलब जो है ना अगर आप देखें इनके जंप नहीं है, जिन बंदों की मैं बात कर रहा हूँ इनकी जंप नहीं है, ये क्रीज से बड़ी तेजी से हिट द क्रीज हार्ड करते थे, और फिर इनका जंप नहीं है उनकी स्ट्राइड भी, लास्ट स्ट्राइड भी कम होगी। ठीक है, अभी आप देखें जैसे वहाब रियाज था, वहाब रियाज की ना स्ट्राइक बहुत लंबी है और इस वजह से उनका कंट्रोल इतना ज्यादा नहीं था, लेंथ पीछे हो जाएगी। जी बिल्कुल, अगर जब आपकी स्ट्राइड लंबी हो जाएगी, जब आपकी फाउंडेशन ही स्ट्रांग रहेगी, फिर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। जब आपकी सॉलिड बेस होगी, सॉलिड स्ट्राइड होगी, तो फिर आपका कंट्रोल होता है। जब आप बैलेंस है तो मैं अपने हाथ से कुछ भी कर सकता हूँ, मोहम्मद आसिफ जैसे थे, ठीक है, अपने हाथ से, क्योंकि आपके पास बेस अच्छी है और हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं आप। नहीं, गुल हो गया, आसिफ हो गया, इनके स्ट्राइड भी कम थी। अच्छा उमर, ये नॉन बॉलिंग आर्म का कितना रिक्वायरमेंट है एक फास्ट बॉलर में? बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आपके लाइन के लिए, आपके फॉलो थ्रू के लिए, आपके पूरे ये अलाइनमेंट है आपकी। जब आपका फ्रंट ऑन ही आपका साथ नहीं है तो ये तो पूरा आपको लेके जा रही है, अगर आप आगे की तरफ फेंकते हो तो ये आपके लिए डायरेक्शन है। Okay. ये ना सिर्फ बॉलिंग में, आप इवन जब थ्रो भी करते हो, टारगेट को हिट करते हो, तो आपका जब तक ये नॉन थ्रोइंग या बॉलिंग जो भी है, अगर आप इसकी डायरेक्शन सी नहीं होगी तो आप कभी भी सीधा बॉल ना बॉल कर सकते हो ना थ्रो मार सकते हो। बेसिकली ये अलाइनमेंट है। यस, एक चीज, सॉरी राजेश भाई, नॉट जस्ट अलाइनमेंट बट पेस भी वो, बिकॉज एक बंदा है कि हाथ ऐसे छोड़ देता है, ठीक है, तो जब आप पुल करते हैं ना, जब मैंने पुल किया मेरा हाथ ऐसे चला गया तो मेरा शोल्डर यही है, जब मैं पुल करूंगा तो ये नीचे आ गया, तो आपकी बॉडी ऑलरेडी ऊपर आ गई, उसके बाद फिर आप जो है ना एक्स्ट्रा लोड कम आता है बैक पे, यानी वो आर्च स्लिंग बनेगी, स्लिंग बनेगी आपके फॉलो थ्रू में, ये बड़ा इफेक्टिव है। अलाइनमेंट और डायरेक्शन की अगर बात करते हैं, ये आपने नॉन बॉलिंग आर्म का कह दिया, राइट फुट, राइट आर्म फास्ट बॉलर है जैसे, उसका राइट फुट का एंगल जो होता है नी का, अगर टूवर्ड्स द लेग एम्पायर हो या लेग स्लिप तो डिफरेंट डायरेक्शन होती है, अगर उसका फुट शोएब की तरह या वकार की तरह टूवर्ड्स द बैट्समैन हो तो ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट रिवर्स स्विंग के लिए बहुत अच्छी हो जाती है। कोच साहब, बस इसमें दो चीजें हैं, ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि उमर हम चलते हैं, नहीं आखिरी देखें हम चलते, आप इसमें देखें आपका जो आजकल हम कह रहे हैं कि साइड ऑन फ्रंट आर्म एंड देन न्यू टर्म इज 45 या, मैं डॉक्टर को बता रहा था मान नहीं रहे, मिडल में जब आप आते हैं तो जो मिडल वाले होते हैं उनको 45 कहा जाता है। अब पांव की पोजीशन है पैरेलल, अगर आप वसीम भाई को देखें तो वसीम भाई का फुट पैरेलल नहीं पड़ता था, वसीम भाई का जो है ना वो लेफ्ट हैंडर थे, मैं आपने बताता हूं, मेरा हमारा मिड ऑन की तरफ जाता था ये पिछला पांव, ठीक है, लेकिन उसमें ये था कि जब आप लैंड करते हैं तो हमारी जो ये नी थी ना जो राशिद भाई ने बात की, इस ये फाइन लेग की तरफ जाती थी। कुछ लोगों की नी जो है जब
फिन को देख लें आप, फिन जब आते हैं ना विकेट के पास आते हैं तो उनकी जो, मैं खड़ा होकर बता सकता हूँ, तो जिस वक्त आप आते हैं ये नी जो है ना उनकी इधर चली जाती है, तो इनका ये बैलेंस नहीं रहता, तो उसकी वजह से डायरेक्शन गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये नी जो है फाइन लेग की तरफ जाए, देखें ये पाँव पड़ा मेरा, ये मैंने रोटेट किया, मेरी नी फाइन लेग की तरफ होगी, ये बैलेंस होगा मेरा, जब बॉल करूंगा बैलेंस होगा, मैं इधर नहीं जाऊंगा इधर नहीं जाऊंगा, बैलेंस होगा तो फिर मैं अपना बॉल जहां मुझे फेंकना है वहां मैं डिलीवर कर सकता हूं। जी उमर जी बिल्कुल, यही पॉइंट मैंने भी रेज करने थे, अजहर भाई ने पहले ही कर दिए। आपका जो ना जितना आपका ये नॉन बॉलिंग आर्म का काम है उतनी आपके फ्रंट नी का भी है, वो उस डायरेक्शन से भी जो ना आपके बड़ा, लेकिन अगेन वही बात आती है कि बॉलर किस टाइप के, फ्रंट ऑन है या साइड साइड ऑन। डॉग 45 जिसमें मैंने एक बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की थी, मैंने दिखाई आपको कहाँ पे, सिडनी में ना, 71 बॉल पे मैंने 8 रन बनाए। जी जी, उस इनिंग की मैं सारी पूरे मैं बॉल टू बॉल वीडियो देखी वसीम भाई की ना, वैसी बात है बाद में एक्शन चेंज हुआ गा। उसमें उनका पूरा जोर लगा मुझे वो शोल्डर का, ये पहले इनका क्लैप्स हो जाता था। मैं वो चीज मैं इन दोनों से भी शेयर करना चाहूंगा और आपसे भी करना चाहूंगा बाद में, क्योंकि वो VHS है हमारे पास। चलें हम ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन जो इन्होंने एक चीज कही है ना, वसीम भाई वाज एक्सेप्शनल, वो सिर्फ शोल्डर नहीं था, रेपिटेटिव शोल्डर एक्शन, रेपिटेटिव एक्शन। स्पीड कितनी थी अभी, अब अगर आप देखें हमारे जो नए लड़के आते हैं, टेप बॉल, ये टेप बॉल खेलने का नतीजा है, ठीक है। मैंने अभी यूज किया ना हैवी बॉल्स, डिफरेंट बॉल्स, तो आर्म स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप बोल दो कि आपने ब्रेक लेनी है, बोल दें, देखिए आपने जब 140 प्लस बॉल करनी है ना, तो उसमें काफी सारी चीजें आपने फाइंड आउट करना है कि ये किस तरह का बॉलर है, रिदम का बॉलर है, रनअप उसको चाहिए वकार भाई ब्रैटली। कुछ बॉलर हैं दो कदम से बॉल करेंगे, उतनी तेज करेंगे, उनको रनअप की जरूरत नहीं है क्योंकि वो शोल्डर के बॉलर हैं, ठीक है। और जो वसीम भाई थे वो भी ऐसे ही थे, उनका शोल्डर बहुत तगड़ा था, आए और आपको पता नहीं चलता था कि एक बॉल इधर है, थक वाला जो है ना एक्स्ट्रा हैवी बॉल वो करते थे, हैवी बॉल के थक करके आपके माथे पर। लेकिन उनकी रिस्ट व्हिपिंग भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। जी बिल्कुल, व्हिप भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। देखें वो, सॉरी मैं उसी पे आता हूँ, 140 का बॉल अगर आप बायोमैकेनिक एक्सपर्ट से बात करें या उनसे बात करें तो आपको बताएंगे शोल्डर रोटेशन, एल्बो, रिस्ट एंड देन फ्लिक ऑफ द रिस्ट। हम कहते हैं रिस्ट बिहाइंड द बॉल, वो ऐसे जाएगी। कल भी मैंने आपको बताया था कि जब आप फ्लेक्शन होती है, जैसे आप शाहीन शाह अफरीदी कर रहे हैं कि वो ला के पूरा मारते हैं बॉल को, उसकी वजह से उनका बॉल में एक्स्ट्रा बाइट आता है। ये भी कुछ मारा, गुली का भी बड़ा अच्छा आता था, काफी ठीक ठाक टेक ऑफ करता। स्पिनर्स के भी होते हैं, उनका भी नॉन आर्म एक्शन नहीं चलता। आपने चेक किए गए रिसेंटली, मैं आपको उसके बाद साजिद खान और स्पिनर, फिर आप सैकी भाई को देख रहे हैं, उनके दोनों हाथ चलते थे, तो डिफरेंस बहुत है इससे, वो आपके बॉलिंग स्पीड पर बड़ा फर्क पड़ता है इससे। ओके, थैंक यू वेरी मच काशी साहब, मैं खत्म नहीं कर रहा, मैं ब्रेक लेने लगा। थैंक यू, मैंने इसलिए किया कि मैं और उमर गुल भी गेम होने का हिस्सा ही हैं। गेम होने जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके साथ।